इस समय मैं मौजूद हूं उसी इलाके में जहां पे आतंकियों की तरफ से भारतीय सेना के वाहन पर फायरिंग की गई। पहले आप इलाका देखिए किस तरीके का ये इलाका है, घने जंगल का इलाका है, नाला यहां पर गुजरता है और ऐसे में सेना के जब वाहन यहां से गुजर रहे थे उसी बीच में आतंकियों की तरफ से जो फायरिंग है वो यहाँ पर इन दो वाहनों पर की जाती है। सबसे पहले आप वाहन पर गोलियों के निशान देखिए, ड्राइवर साइड पे एक यहाँ पर दो निशान जो है वो हमें साफ तौर पे देखने को मिल रहे हैं और उसी के साथ जो टायर है वो पूरी तरीके से यहाँ पर पंचर किए जाते हैं। उसी के साथ यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे बुलेट का निशान है जो साफ तौर पे हम देख पा रहे हैं। उसी के साथ यहाँ पर एक और बुलेट का निशान है, यहाँ पर भी बुलेट का निशान है और ये जो गाड़ी है इसका जो बैक साइड है ये ऐसा लग रहा है कि बुलेट प्रूफ है और इसी बुलेट प्रूफ साइड से आतंकियों जो बुलेट प्रूफ प्लेट है इसी के अंदर भी जो गोली है वो चली जाती है और ऐसा लग रहा है कि स्टील बुलेट्स का इस्तेमाल जो है वो आतंकियों ने किया हो सकता है। यहाँ पे आप गोलियाँ जो है जो बुलेट्स के राउंड है वो भी यहाँ पर देख सकते हैं, कुछ राउंड्स अंदर जो है वो बिखरे पड़े हुए हैं और उसी के साथ साथ साइड में भी यहाँ पर जो ये स्टील बुलेट जैसा है, ये जो प्लेट लगाई गई है वाहन पर यहाँ पे भी बुलेट के निशान साफ तौर पे देखने को मिल रहे हैं। ये भी आशंका जताई जा रही है कि शायद हो सकता है कि आतंकियों ने इस इलाके में सबसे पहले रेकी की हो और उसके बाद इस आतंकी हमले को अंजाम दिया हो। उसी आप देखिए कि टायर जो है वो पूरी तरीके से पंचर है। अब हम आपको तस्वीरों में दिखाने की कोशिश करेंगे कि ये पूरा इलाका किस तरीके का है। ये तस्वीरों में आप साफ तौर पे देखिए, ये देखिए पूरे घने घने जंगल का इलाका है, पूरी तरीके से यहाँ पर घने जंगल है, नदी नाले यहाँ पर बहते हैं और उसी के साथ पहले इस वाहन और दूसरे वाहन की तरफ भी हम आपको ले जाने की कोशिश करेंगे लेकिन अभी भी कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन जो है वो सेना की तरफ से चलाया जा रहा है और ये देखिए यहाँ पर एक नाला बहता है और इसी के साथ ये वो दूसरी गाड़ी है जो थोड़ी ही दूरी पर है जहाँ पर आतंकियों की तरफ से इस वाहन पर भी फायरिंग की गई थी। और पूरे इलाके को अगर आप देखें तो किस तरीके का इलाका है, लगातार पाकिस्तान में बैठे हुए आतंकियों के आकाओं ने एक बार फिर जो लॉन्च पैड है वो एक्टिव किया है, जो ट्रेनिंग कैंप्स है आतंकियों के वो भी एक्टिव किए हैं और उसी के साथ अब आप दूसरी गाड़ी हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके का ये इलाका है और कहाँ पे दूसरे वाहन पर सेना के वाहन पर फायरिंग की गई थी। ये दूसरी वाहन है सेना की जहाँ पर आतंकियों की तरफ से फायरिंग की गई थी। लगातार सुरक्षा बल रजौरी, पुंछ, रियासी और अब कुठवा में आतंक के खिलाफ महा ऑपरेशन चलाए हुए हैं ताकि जितने भी आतंकी इन इलाकों में हैं उनको जल्द से जल्द न्यूट्रलाइज किया जा सके। ये सेना की दूसरी वाहन है जहाँ पे हम इस वक्त पहुँचे हैं और इस वाहन पर भी आतंकियों की तरफ से फायरिंग की गई और यहाँ पर आपको बता दें कि कुल मिला के दो वाहनों पर आतंकियों ने फायरिंग की। हालांकि सेना ने भी जवाबी कार्रवाई दी जिसके बाद आतंकी भाग जाते हैं इस इलाके से। ये देखिए नदी नाले यहाँ से बहते हैं, घने जंगल का इलाका है तो कुल मिला के सोच समझ के ऐसा लग रहा है कि रणनीति बनाकर आतंकियों ने यहाँ पर जो फायरिंग है वो यहाँ पर की थी। ये देखिए यहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ जो निशान है वो यहाँ पर त्रिपाल पे गोलियों के दिखेंगे तो आप अंदाज़ा लगाइए कि किस तरीके से आतंकियों ने इस आतंकी हमले को अंजाम दिया था। ये देखिए यहाँ पर गोलियों के निशान हैं, फ्रंट पर भी आतंकियों की तरफ से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 राउंड फायर जो है वो मेरे को फ्रंट पे दिख रहे हैं और यहाँ पर आप देखिए कि ये देखिए
किस तरीके से जो निशान हैं वो हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। ये देखिए, ये वो 7 राउंड है जो साफ तौर पे आप देख सकते हैं, शीशा पूरी तरीके से डैमेज है। ऐसा लग रहा है कि फ्रंट से भी आतंकियों की तरफ से जो फायरिंग है वो यहाँ पर की गई थी। अब सुरक्षा बल जो है वो लगातार जो ऑपरेशन है वो चला रहे हैं ताकि जल्द से जल्द उन कायर आतंकियों को न्यूट्रलाइज किया जा सके जिन्होंने इस कायराना हरकत को अंजाम दिया था। कैमरा पर्सन अनुदीप शर्मा के साथ अंकित भट्ट, TV9 भारतवर्ष के लिए।